अर्चनी वन्नी संसमाज। धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, दो दिवसीय सत्संग समारोह का आज प्रथम दिन काफी देर से प्रारंभ है। बहुत अच्छे विचार संतों से आप सभी ने सुना। विशेष चर्चा भक्ति पर हुई। मैं भी कुछ चर्चा रखूं। भक्ति पर बहुत अच्छे विचार सुने, लेकिन आज की भक्ति बदल गई है। आज की भक्ति में परिवर्तन आ गया है। आज की भक्ति दिखावा की भक्ति है। आज की भक्ति कर्मकांड और पाखंड की भक्ति है। आज की भक्ति किसी को परेशान करना, किसी को टेंशन में डालना है। आज की भक्ति पूर्णता सफलता की भक्ति नहीं है। अभी नवरात्रि समाप्त हुआ है। नवरात्रि में पहले नवरात्रि के समय 9 दिन तक पति और पत्नी दोनों आपस में नवरात्रि उपवास रहते थे और दोनों भक्ति करते थे। नवरात्रि के दौरान पति अपने अलग कक्ष में सोता था, पत्नी अलग कक्ष में सोती थी। दोनों उपवास और साधना और ध्यान करते थे। पहले की भक्ति थी। पहले की भक्ति माँ के लिए होती थी। प्रेम से बड़े श्रद्धा और निष्ठा और प्रेम से किया जाता था। बड़े लगन और उत्साह से मन को निर्मल बनाने की भक्ति थी। आज की भक्ति नाम के लिए, आज की भक्ति कर्मकांड पाखंड है। आज की भक्ति में विशेषता कुछ नहीं रह गया है। अभी नवरात्रि के पहले, चैत्र नवरात्रि के पहले, उस समय जब गणेश चतुर्थी था, तो मैं जिस आश्रम में रहता हूँ, उस आश्रम से 15 किलोमीटर बगल में एक जगह शहर है, खरोरा शहर। वहाँ गणेश चतुर्थी के बाद गणेश विसर्जन के दिन 3 करोड़ रुपए के डीजे लगा था। 3 करोड़ रुपए की डीजे लगा था। क्या इसको मैं भक्ति का रूप दूंगा? क्या इसको भक्ति कहा जाएगा? भक्ति के नाम पर आदमी इस गाल से इस गाल तक पूरा राड को छेद करके निकाल देते हैं। क्या इसको भक्ति का स्वरूप कहा जाएगा? भक्ति के नाम पर आदमी बलि बकरा मारते हैं। क्या इसको भक्ति कहा जाएगा? भक्ति के नाम पर आदमी जब स्नान करने जाता है, देवी दर्शन के लिए जाता है, तो माताएं भी पुरुष स्वर्ग भी जब जाते हैं तो लेटते हैं, फिर उसके आगे गिट्टी रखते हैं, फिर लेटते हैं, फिर क्या इसको भक्ति कहा जाएगा? शरीर को तपाना भक्ति नहीं है। शरीर को सड़ाना, शरीर को गलाना भक्ति नहीं है। भक्ति मन की निर्मलता है। भक्ति का स्वरूप बदल गया। कर्मकांड और पाखंड ये भक्ति नहीं है। आज इतने भक्ति, मैं दुर्गा पक्ष के समय है, पिथौरा एक जगह शहर वहां गया था, तो इतने सारे डीजे लगाए थे, इतने सारे डीजे। कोई यदि हार्ट अटैक का मरीज वहां पर हो तो वहीं उसका हार्ट फेल हो जाएगा। कैसी भक्ति है ये? जब डीजे चलता है तो लगता है पूरा सर, पूरा जमीन हिल रहा है। कौन सी भक्ति है? चाहे किसी भी मत पंथ और संप्रदाय के हो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, श्रद्धा और साधना करते हैं। सत्संग कराने वाले लोग भी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्संग कराने वाले लोग भी रात रात भर पूरे गांव का साउंड बजाएंगे और यहां का साउंड इतना खोलेंगे कि बगल में कोई बीमार व्यक्ति हो, मरीज आदमी हो, तो वही मर जाए। सत्संग की सफलता है नहीं, इसको सत्संग नहीं कहते। एक विद्यार्थी का एग्जाम है और उसके बगल में राधवल डीजे चल रहा है, राधवल डीजे चल रहा है, ऊपर हॉट डॉल्ड स्पीकर खुला है, उनकी पूरी जिंदगी चौपट हो जाती है, पूरी जिंदगी चौपट हो जाती है। सत्संग करिए, लेकिन किसी को परेशानी मत हो।
सत्संग करिए, आप सत्संग पंडाल में माइक बजाइए, दिन में बाहर भी आवाज खोल लिया करे, लेकिन रात्रि के समय यदि गांव वाले नहीं चाहते हैं, पास पड़ोस के नहीं चाहते हैं, बीमार व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, तो उनको परेशानियां ना हो, ये भक्ति है, ये भक्ति है। रात रात भर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्नान करते हैं, पूजी भक्ति कर रहे हैं, और इधर माँ बाप के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्या ये भक्ति है? घंटों घंटों पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे, हे भगवान हे भगवान, जब वही आदमी जब दुकान में बैठता है तो बिना मिलावट बाजी करे उनका दुकान नहीं, का काम नहीं चलता है, क्या ये भक्ति है? बड़ी लंबी लंबी भक्ति करेंगे, जब वही आदमी ऑफिस में बैठता है तो बिना घूस लिए उनका काम नहीं चलता है, क्या इसको मैं भक्ति कहेंगे? बड़ी लंबी लंबी आराधना करते हैं, 10 साल से 20 साल से कबीर साहब के उपासक है, राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के, ईसा के, मोहम्मद के, इतने सारे देवी देवताओं के उपासक है, लेकिन माँ बाप के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं। आज हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या ये भक्ति का परिणाम है? हमारे भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, और क्योंकि ये भारत एक ऐसा देश है जो कि शुरू से लेकर के ऋषि ऋषि पशुता देश है, यहाँ ऋषियों की कमी नहीं है, इतने ऋषि महापुरुष जन्म हुए हैं इसी भारत देश पर, इसी धरती पर बुद्ध कबीर महावीर जैसे महापुरुष हुए हैं, और आज यदि आ जाए बुद्ध, आ जाए कबीर, आ जाए महावीर, आ ईसा मोहम्मद आ जाए, तो कहेंगे अरे इसी भारत देश में मैं था, इसी भारत देश में आज के भारत के देश के लोगों की स्थिति देखेंगे तो अपने भक्तों को नहीं छोड़ेंगे, अपने भक्तों के नहीं, भक्तों को नहीं छोड़ेंगे। बदल गई भक्ति का स्वरूप, बदल गया हमारे भारत देश को धर्म प्रधान देश कहा जाता है, और धर्म प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध के वजह से इस भारत देश को धर्म प्रधान देश कहा गया है, धर्म गुरु के नाम से भगवान बुद्ध को जाना जाता है, और उसी के वजह से इस भारत देश को पूरा विहार, पूरा विहार बौद्धिष्ट से बौद्धिष्ट की कमी नहीं थे, पूरा जिधर चलते थे बौद्धिष्टों की कमी नहीं, उनके साथ में हजारों हजारों भिक्षु चलते थे, ये भारत देश है। लेकिन बौद्ध बौद्ध के वजह से, भगवान बुद्ध के वजह से इस भारत देश को धर्म प्रधान देश कहा गया, और आज हमारे भारत देश से बुद्ध लुप्त होते चले गए, बुद्ध लुप्त नहीं हुए, बुद्ध की साधना खत्म हो गई, बुद्ध का दिनचर्या, उनका व्यवहार, जो उनका आचरण, उनका जो सीख, उनका देन था, वो खत्म हो गया। कौन खत्म किए? हम आप जैसे लोगों ने सिर्फ बुद्ध की पूजा करते रह गए, उनके ज्ञान साधना आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भगवान बुद्ध चले गए तो भगवान बुद्ध के जाने के बाद में उनके अनुयायियों ने बड़े बड़े लोगों से, सेठों से, महाराजों से, बड़े बड़े लोगों से पैसा लेते थे, और भगवान भगवान बुद्ध की बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनाते चले गए, और भगवान बुद्ध की इमारतें खड़े होती चली गई, और भगवान बुद्ध की साधना और ध्यान खत्म होता चला गया। धीरे धीरे सब लोग देखें कि सिर्फ यहाँ मूर्ति की पूजा हो रही है, बुद्ध की साधना और ध्यान और उनका जो आचरण था वो खत्म हो गया। धीरे धीरे बौद्धिष्ट कम होते चले गए, और आज हमारे भारत देश में बुद्ध लुप्त हो गए, भक्ति खत्म। भक्ति अच्छी करनी चाहिए।